आज देवशयनी एकादशी है और आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। ये तो पूरे साल 24 एकादशी आती है, मगर देवशयनी एकादशी का पर्व भगवान हरि की विशेष कृपा पाने का अवसर होता है। तो आइए जानते हैं क्या है देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूं तो साल में 24 एकादशी पड़ती है और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना के लिए बेहद विशेष माना गया है। जो भी पूर्ण विधि विधान से देवशयनी का व्रत रखता है, देवशयनी में आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद पश्चात आप बढ़िया स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आपके घर में जो भी ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराइए और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको बढ़िया पुष्पों से उनका श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद आपको करना क्या है, ठाकुर जी की दिव्य आरती करिए। आरती के बाद आप एकादशी की कथा पढ़िए, जो देवशयनी एकादशी उसकी कथा पढ़िए। फिर आप फलाहार कुछ ले सकते हैं, आपको फलाहार लेना है और उस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का कीर्तन करना है। जितना ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए, ज्यादा से ज्यादा दान करिए। दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। कहते हैं कि अन्य दिन जो आप दान करते हैं उसका तो जो फल मिलता है वो तो प्राप्त होता ही होता है, पर एकादशी वाले ने उसमें भी देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी गई। देवशयनी एकादशी में जो आप दान करते हैं तो उसका सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। तो यथासंभव यथास्थिति जो भी आपकी स्थिति है उस स्थिति से आप खूब दान करिए। देवशयनी के दिन श्रीहरि की विधिवत उपासना करके उनकी विशेष कृपा पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए पूजा की उत्तम विधि जानना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी पर आपको कैसे करनी है भगवान विष्णु की उपासना। देवशयनी पर भगवान विष्णु को पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम बात है कि एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीला रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ कपड़े बांधकर पिसेंट लगाकर यानी गुलाब का इत्र लगाकर और गुलाब का इत्र भगवान विष्णु को भी अर्पित करके धूप देव नवेंद्र से भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका स्मरण करें, उनको सेब का भोग लगाएं, उनको पीली वस्तु का भोग लगाएं, उनको गुलाब के फूल का माला चढ़ावें, उनको इत्र चढ़ावें। इस तरह से करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से यह पूजा सम्पन्न हो जाती है। रात को विशेष विधि विधान से श्रीहरि की पूजा करें, पीली वस्तुएं विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करें, श्रीहरि के मंत्रों का जाप करें, आरती उतारें। आरती के बाद निम्न मंत्र से भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि जगत सर्व चराचरम। प्रार्थना के बाद भगवान से करुणा के लिए कहें। तो आप भी श्रीहरि का ध्यान और उनकी उपासना पूरी श्रद्धा के साथ करें और पालें भगवान विष्णु और भगवान शिव का वरदान।